तो ये देखिए इतना ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुका है लैंटर के ऊपर, सारे में बर्फ़ ही बर्फ़। ये देखिए ऊपर देवदार के पेड़ कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, ये वाला पोर्शन। हेलो एवरीवन, दिस इज कार्तिक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल पहाड़ वाला। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है बर्फ़ से, तो बर्फ़ बहुत फास्ट लग चुका है, बहुत फास्ट। तो आज है 3 फरवरी और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बर्फ़ लगी हुई है, और मतलब इतनी स्पीड में लगी है ना, और जिस स्पीड में लगी हुई है इस हिसाब से आज 1-2 फुट बर्फ़ पड़ सकता है अगर यही स्पीड रहती है रात तक। तो अभी तो सुबह के 10 बज रहे हैं, तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। तो पापा कर रहे हैं अभी पूजा यहाँ पे। तो ये बनी है आज पराके, मतलब गुजिया, और इस गोल वाले को बोलते हैं पटारू। तो आज है गौरात्री, मतलब आज के दिन ये बनाए जाते हैं। तो अभी अभी मम्मा ने हमारे को खाने के लिए दिए हैं। तो आज है भंडारत्री, तो ऐसा बोलते कि आज बर्फ़ पड़ता ही पड़ता है और बर्फ़ लगा हुआ है, मतलब शिव जी के भंडार भरते हैं आज। सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ पुराने बगीचे बागड़ा, और पीछे आप देख सकते हो बर्फ़ लगा हुआ है बहुत ज़्यादा ज़ोर से। तो पापा जी की तबीयत आज ठीक नहीं है थोड़ी, तो इस करके मैं जा रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा ठंड है तो मैं फुल पैक होके आया हूँ बरसाती बरसुती पहन के, ताकि बर्फ़ अंदर ना जाए। और मेरा नाक बिल्कुल बंद हो चुका है, अभी बहुत ज़्यादा बर्फ़ लगी हुई है, बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए सामने मेरा घर, और बहुत ज़्यादा बर्फ़ जो है लगी हुई है। अभी जा रहा हूँ मैं आगे, आगे से दिखाता हूँ। तो ये देखिए इतना सुंदर लग रहा है, बर्फ़ से ढके हुए पेड़। आई गेस ये मेरा पहली बार है कि मैं बर्फ़ में बाहर निकला हूँ, मतलब इतना दूर, मतलब बर्फ़ पड़ती है तो हम घर के अंदर ही रहते हैं, ऐसे बाहर नहीं जाते हैं। तो आज मैं पहली बार बर्फ़ में, मतलब लगी हुई बर्फ़ में बाहर जा रहा हूँ, तो सच में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अभी मेरे मुँह से हवा निकलेगी, मतलब निकल रही है भाप, देखना अगर दिख रही होगी इसमें। इतना सुंदर लग रहा है ना, लाइक मैंने आपको पहले भी स्नोफॉल वाले व्लॉग्स दिखाए हैं, पर इतना ज़्यादा सुंदर कभी नहीं लगा। ये देखिए ऊपर देवदार के पेड़ कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, ये वाला पोर्शन। ये देखिए ये लोग भी घर से काम के लिए आए होंगे ऐसी बर्फ़ में। तो अभी बस मैं पहुँचने ही वाला हूँ, और काफ़ी ज़्यादा धुंध आ गई है। ये देखिए इधर, और यहाँ पे कोई भी नहीं चला है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बर्फ़ पड़ गया है कि मेरे जूते भी डूब रहे हैं इसमें, इतना ज़्यादा बर्फ़ गिर चुका है। तो चलते हैं अंदर, मेरे शूज़ में स्नो देखिए। हेलो, ये लो फुलका ले लो, खा लो खा लो खा लो खा लो, मेरा हाथ नहीं खाओ, बाय। तो गाय को घास दे दिया है, अभी चलते हैं घर की तरफ, और बर्फ़ बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इतना ज़्यादा बर्फ़ लगा हुआ है। तो चलते हैं, पिछले जो 2 व्लॉग्स थे वो अच्छे से शूट नहीं हो पाए थे यार, एक्चुअली मतलब लाइक अभी ऐसे रिलेटिव्स के सामने शूट करना मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ, और तो कोई सीन नहीं है, तो क्योंकि वो थोड़े दोनों व्लॉग अच्छे नहीं शूट हुए थे। बट थैंक यू, आपने थोड़ा बहुत प्यार तो दिया ही, पर प्लीज़ 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 वीडियोज़ पे प्यार दिया करें, कीप सपोर्टिंग मी, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके आगे और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो ओ शिट, तो मैं मिलता हूँ घर पे, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है। मौसम मौसम था सुहाना बड़ा मौसम मौसम, जो लोग बोलते हैं ना कि यार स्नोफॉल देखना था और स्नोफॉल बहुत अच्छा होता है ऐसा वैसा,
उन लोगों को एक दिन के लिए मतलब अगर हमारे यहाँ पे रखा जाए तो वो लोग बोलेंगे भाई कितनी डिफ़िकल्टीज़ होती है बर्फ़ के टाइम पे, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, वो हम लोगों को ही पता होता है। और जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं ना, तो उन लोगों के लिए तो ऐसा होता है कि यार मज़ा करना है, फ़न करना है, लेकिन असली चीज़ हम लोगों को ही पता होती है जो बर्फ़ में रहते हैं और बर्फ़ में ऐसे काम करते हैं। मौसम मौसम इस टाइम पे -1 डिग्री टेम्परेचर है। अब मैं बस घर पहुंचने ही वाला हूँ। तो मैं पहुंच गया घर। The next day. Good morning everyone. So ये है next morning और आप देख सकते हो अभी भी बर्फ़ लगी हुई है और 1 फुट बर्फ़ पड़ चुकी है ऊपर, आप देख सकते हो, और अभी भी लगी हुई है। अगर आज भी पूरा दिन लगी रहती है तो कहीं 2 फुट ही बर्फ़ ना पड़ जाए, अब तो हद ही होगी। So guys अभी भी बर्फ़ लगी हुई है, 12 बज चुके हैं और ये सेकेंड डे है और अभी भी इतनी ज़्यादा बर्फ़ लगी हुई है, कम से कम 1 फुट से ज़्यादा हो चुकी है बर्फ़। पता नहीं क्या चाहता है परमात्मा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं अलग व्यू में लाया आपको, ये देखिए। तो ये देखिए लोगों ने यहाँ पे बाइक्स खड़ी किया है और इन पे भी कितना ज़्यादा बर्फ़ जम चुका है और छपरों से तो गिर गया है थोड़ा थोड़ा, और पेड़ों पे कितना सुंदर लग रहा है और ऊपर से गिर रहा है। सो गाइस अभी 6 बजे का टाइम हो रहा है शाम के और अभी भी बर्फ़ कंटिन्यू लगा हुआ है और कम से कम 2 फुट बर्फ़ हो चुका है। तो लाइट अभी थोड़ी देर पहले ही आई है, मतलब 5 बजे, तो मैंने सोचा कि पहले शूट कर लेता हूँ थोड़ा सा, फिर अभी लाइट का भी कोई भरोसा नहीं है, तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा और दिखाता हूँ कि इतना ज़्यादा बर्फ़, मतलब आई गेस 3 से 4 साल के बाद इतना ज़्यादा बर्फ़ पड़ा है और अभी भी कंटिन्यूसली लगा हुआ है थोड़ा थोड़ा सा बारीक बारीक सा। तो ये देखिए अभी भी लगा हुआ है बर्फ़ और इतनी ज़्यादा ठंडा, आई थिंक -2 टेम्परेचर है और क्या बोलूँ अब। तो ये देखिए इतना ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुका है लेंटर के ऊपर, सारे में बर्फ़ ही बर्फ़, और नीचे देखिए कितना ज़्यादा बर्फ़ है। तो अभी आपको विंडो से मैं व्यू दिखाता हूँ। इन बारियों में टकरा, ये देखिए अभी भी हल्का हल्का बर्फ़ लगा हुआ है, अभी धुंध भी काफ़ी है। तो ये तन में, अच्छा तन में लेके जा रहा है गाय को कनाड़ू और अभी हम जा रहे हैं, लाइट जलाता हूँ। बस 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 कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो गाइस ये देखिए खाली बड़े प्यार से कनालू, ये मेरी छोटी बाछी बड़ी नटकट, ये मेरे पापा, ये यहाँ पे देखिए घास ही घास, ऐसे गीत गा, ये माई ब्रदर इन द पहाड़ वाला। तो यहाँ पे रास्ता बनाया जा रहा है वॉशरूम जाने के लिए, मतलब वैसे तो बनाया था हमने थोड़ा सा, पर अभी और बना रहा है तन में। पापा चुप रहो यार। तो यहाँ देखिए, यहाँ पता लगता है कि इतना ज्यादा बर्फ है, देखो। अरे तनु प्लीज दिखा रहा हूँ मैं, इतना ज्यादा बर्फ है। बस बस काफी है पापा बस।
तो तन्मय अभी बावड़ी तक जो है रास्ता साफ कर रहा है, क्योंकि फिर पानी लाना होता है बावड़ी से। तो देखिए रात हो चुकी है, ये तो भगवान की कृपा है कि लाइट आ गई। तो थैंक यू बिजली विभाग वालों को कि उन्होंने लाइट पहुंचा दी आज, नहीं तो हम कल भी अंधेरे में थे, आज भी अंधेरे में होते। तो आई होप आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। कल से काफ़ी अच्छे से व्लॉग्स आएंगे, स्नोफॉल वाले व्लॉग्स आएंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन तो बर्फ ही रहेगा, तो वही दिखाऊंगा। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।